वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे रम हजमोला। कड़ाके का सर्दी पड़ चुका है और हम लोग अभी जाके रम खरीद रहे हैं। रम से हम लोग बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, अक्सर यूनिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, न जाने क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं। हजमोला के साथ रम पीना एक आम बात है शायद, और आज मैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक वे में आपको बताऊंगा कि कैसे ये बेहतरीन ड्रिंक को आप बना सकते हैं। रम मतलब सर्दियों का ड्रिंक गलत है, हालांकि ऑल द ईयर हम लोग इस ड्रिंक को पीते हैं। आज ये मस्त ड्रिंक आपके लिए बनाऊंगा जो अक्सर आप बनाते आए हैं। कुछ नया नहीं है बट फिर भी कुछ यूनिक है। तो इस कॉकटेल को बनाने के लिए, मतलब रम हजमोला को बनाने के लिए एक बेस्ट ग्लास चाहिए आपको। कोई भी ग्लास ले लीजिए, लंबा चौड़ा नाटा मोटा ढीला ढाला जो भी है आपके पास ले लीजिए, क्योंकि ये आप आराम से घर में बनाएंगे, कोई पाबंदी नहीं है, आपका ड्रिंक है आफ्टर ऑल। तो मैंने क्या किया, एक लंबा सा ग्लास ले लिया जहां पर हम बनाएंगे इस ड्रिंक को। तो ये लंबा ग्लास से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंग्रेडिएंट्स का ये है लिस्ट, जहां पर देख लीजिए आपको क्या क्या लगने वाला है इस कॉकटेल को बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लेते हैं हजमोला, और ये जो हजमोला है ये रेगुलर हजमोला है, कोई भी फ्लेवर चल सकता है, कोई बात नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट मैंने लिया रेगुलर हजमोला और मैं लूंगा दो पीस। ये दो मैंने अंदर डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा मॉडल करते हैं, इसको पाउडर का फॉर्म में लाते हैं। हालांकि ये पिघल जाएगा जैसे ही आप ओल्ड मोंग डालोगे या कोई भी अदर लिक्विड को डालोगे, बट मैंने पाउडर बना लिया क्योंकि बनेगा ये मस्त। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा लाइम जूस देना है। मैं लाइम काट के जूस बना लूंगा और अंदर में डाल दूंगा। अब दोनों चीज को देने के बाद थोड़ा सा आपको नमक देना है। अगर आपके पास रॉक सॉल्ट है बहुत मस्त बनेगा, तो थोड़ा सा रॉक सॉल्ट दे दीजिए। ये रहा मेरे पास रॉक सॉल्ट, थोड़ा सा देना है। अब ये सब देने के बाद दूंगा अपना और आपका पसंदीदा ड्रिंक, जिसको कहा जाता है ओल्ड मोंग रम। तो चलिए मेरे पास एक सील बॉटल है, इसको खोलते हैं। खुल गया है और इसमें हम लोग डालेंगे 60 ml। आप चाहे तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, बट रम 60 ना देने से जमेगा ही नहीं, तो मैं 60 ml रम दूंगा। वाओ! अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ना। अब इसमें आइस देना है, ये मैं दे दिया आइस, और ज्यादा नहीं, बस इतना ही काफी है। अब इसमें फाइनल ट्विस्ट जो है वो मैं करूंगा थम्सअप से। अगर आपके पास कोक है तो आप कोक से कर सकते हैं। थम्सअप और कोक में एक मस्त फ्लेवर मिलता है जिसको कहा जाता है वनीला फ्लेवर, और ओल्ड मोंग रम में भी वनीला फ्लेवर है, और दोनों क्या कॉम्प्लीमेंट करता है जब कंबाइंड होता है इकट्ठा। तो चलिए थम्सअप को पोर करते हैं, अगर कोक है तो कोक भी पोर कीजिएगा। ज्यादा निकलो मत, असल में वो जो हजमोला है वो क्रिएट कर रहा है कुछ ज्यादा ही। थोड़ा सा अच्छा करके मिक्स कर लीजिए, टॉप अप कर दीजिए। वाओ! ओह, क्या कहना। अब एक गार्निश दे दीजिए, आफ्टर ऑल आप एक कॉकटेल बना रहे हैं। हालांकि ये एक रेगुलर मिक्स है आपका, बट फिर भी कॉकटेल की शक्ल में तो है, तो
कॉकटेल बनने के लिए गार्निश बहुत जरूरी है। चलिए गार्निश बनाते हैं। एक लेमन व्हील दे दीजिए, तो मैं इसको काट दूंगा ऐसे। और यहाँ पर लगा दूंगा ऐसे। साइड करते हैं। तो बन गया आपका रम हजमोला। और ये बेहतरीन ड्रिंक को बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट। चलिए टेस्ट करते हैं अभी तुरंत। ओ फैंटास्टिक, बहुत ही स्पाइसी एक मस्त ओल्ड मॉन्क ड्रिंक है। बनाइए अपने घर में और मुझे लिखिए कि आपको कैसा लगा ये रम हजमोला। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए कॉकटेल नेम ऑक्टेन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। टाटा।